हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7B में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCERT Class 8 हिंदी का चैप्टर 16 पानी की कहानी का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले आप अभी तक इसी चैप्टर का समरी वाला वीडियो यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे और आप यदि Class 8 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पे और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। प्लीज गाइस, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहे। पहला क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था। बूंद अचानक उसकी कलाई पर गिरी और सरक कर उसकी हथेली पर चढ़ी गई। बेर की झाड़ी यानी एक बेर होता है जो हम लोग जिसे कूल कहते हैं और ये सरस्वती का पूजा का पहले हम लोग को मिलता है बाजार में, जो बहुत ही मीठा होता है, ये एक जंगली फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों की जड़ों से निकले रोई द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उन्हें खा जाना आदि बातें याद करते ही बूंद को क्रोध व घृणा से कांप उठी। यानी बलपूर्वक का मतलब होता है बहुत ही शक्ति के द्वारा, भूगर्भ का मतलब होता है धरती के नीचे से, यानी ओस की बूंदों को पेड़ों ने क्या किया था, नीचे से जड़ों द्वारा उसको खींचकर ऊपर बाहर निकल आया था और जैसे ही वो ऊपर बाहर आई तो वह पत्ती के द्वारा बाहर निकल गई थी और वह पत्ती से पेड़ लेखक के ऊपर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों कहा है? पूर्वज का मतलब होता है अपने पूर्वज जिसे कहते हैं, जैसे माता पिता या दादा दादी को हम लोग अपना पूर्वज बोलते हैं। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव नहीं हुआ था तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी जिस समय हम लोगों का पृथ्वी पर पानी नहीं बना था उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसें ही मतलब समान रूप से ऊपर में मंडरा रही थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, इन दोनों के बीच ऐसे करके रासायनिक प्रक्रिया हुआ, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी का जन्म हाइड्रोजन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव नहीं हुआ था तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा था पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। यानी उल्कापिंड का मतलब क्या होता है, आप देखिएगा बहुत सारे तारों का टूटकर गिरते हुए दिखाई देता है और ये पृथ्वी पर गिरते या कभी आकाशीय पिंड में ही अटक जाते हैं, इसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में यानी वाप्स के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रही, मतलब इधर उधर भटकती रही। तत्पश्चात यानी उसके बाद ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है, यानी बर्फ के रूप में बन जाती है, जो कि हिमालय पर्वत पर बर्फ देखने को मिलता है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर अपने ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि उसकी बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्तर है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि उसकी बूंद सूर्य की उदय की प्रतीक्षा कर रही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है? मतलब जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं यानी जिसे कोस्टल एरिया भी कहा जाता है, वो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड क्यों नहीं पड़ता है? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंडा और अधिक गर्मी नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ के वातावरण में नमी होती है, वहाँ का मौसम सदा सुहावना रहता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के भीतर फवारा नहीं होता तो पेड़ जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? पेड़ के भीतर फवारा नहीं होता है मतलब पाइप नहीं होता है तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है? बहुत ही रोचक बात है यार, कैसे पहुंचता है बताओ? क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोयम नामक वाहिकाएं होती है जो पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी
ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब आते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। किसी भी क्रिया को पूरा करने में जो भी संज्ञा यानी शब्द संलग्न होते, संलग्न का मतलब हो रहा लगे हुए होते या मिले हुए थे, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में दिखाई देते हैं, अधिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना एक क्रिया है तभी संपन्न हो पाई जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, यानी वहाँ पर जब संज्ञा हो, कोई वस्तु यानी शिकार हो जिसे पकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि संबंध स्पष्ट होते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। यानी कारक किसे कहते हैं? क्रिया के वह रूप जिस सबसे हम लोग क्रिया के करने वाले का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। आइए जानते हैं ये 5 एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला है, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी। यानी बेर की एक संबंध कारक है, यानी की जो है यहाँ पर संबंध कारक को दर्शाता है। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तेजी से जहाँ पर रहेगा वो अपदान कारक है। अपदान और करण कारक, ये दोनों कारक लगभग सेम होते हैं, क्योंकि करण में भी से होता है और अपदान में भी से होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अपदान में एक दूसरे चीज़ से अलग हो रहा है, लेकिन करण में किसी चीज़ को हम लोग साधन के रूप में यूज़ करते हैं, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। लेकिन अपदान में से का यूज़ कब होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये एक अपदान कारक होगा। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी थी। मैं यहाँ पर कर्ता कारक है। वह चाकू से फल काट कर खाता है। यहाँ पर देखिए से है और यहाँ पर भी से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बताएं, ये जो से है ये करण कारक है और जो ऊपर वाला जो से था वो आपका अपदान कारक था। अब यहाँ पर वह चाकू से यानी यहाँ पर जो से है उसे हम लोग एक साधन के रूप में यूज़ कर रहे, इसलिए यह करण कारक होगा। बदलू लाख से चुड़िया बनाता है, यानी लाख से, तो ये लाख से यानी ये भी यहाँ पर भी से क्या है, एक साधन के रूप में यूज़ हो रहा है, जिसे हम लोग करण कारक कहेंगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है, प्लीज़ यार वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स सबको भी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।